कहानी ये मेरी जुबानी सुन लो तुम। टिंग टिंग टिंग। एक लड़की करती शरारत हर दम, छीन हुई देखो देखो मस्ती जो हो शुरू, दोस्ती जो वो कर ले करेगी ना, दोस्ती में एरी करना ना देरी तुम। चिंग 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 चिंग। चमत्कार को गले लगा लो तुम, छीन हुई देखो करना ना इनकार, अब दोस्ती का होगा इकरार होगा ना। चिंपुई चिंपुई झूमेंगे नाचेंगे, चिंपुई 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 हल्ला गुल्ला करेंगे, चिंपुई मौका देख के मारेंगे चौका, करेंगे धमाल मेरी या आ आ आ। चिंपुई चिंपुई तेरी मेरी खूब जमेगी, चिंपुई 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 दोस्ती ना टूटेगी, चिंपुई एरी को प्यारी होगी के साथ मौज मस्ती का खेल चिंपुई। ओ, मैं सफाई करते जा रही हूँ पर पत्ते गिरते ही जा रहे हैं। हाँ ये क्या हो रहा है एरी, अभी तक बगीचे की सफाई कर रही हो, जल्दी साफ करो, पता है अंदर अभी तुम्हारे लिए कितना काम पड़ा है। एक काम खत्म नहीं हुआ और दूसरे काम की बात कर रही हैं, इन्हें क्या पता कितनी मेहनत लगती है। और साथ में ना अभी तक तुम्हारी मुंह बिगाड़ने की आदत नहीं गई, तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ ये बुरी आदत है, जल्दी से अपना काम खत्म करो। जल्दी से अपना काम खत्म करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ साफ हो गया। शुक्रिया चिंपुई। क्या हुआ? अरे वाह बहुत अच्छा साफ किया है। ठीक है वो सब ठीक से किनारे करके अंदर आ जाओ, रसोई में अभी बहुत काम पड़ा है। चिंपुई ये सब फिर से फैला दोगे? नहीं तो अंदर और भी काम करना पड़ेगा। मम्मी ये देखो क्या हो गया। ये क्या हुआ? हवा की वजह से सब उड़ गया। ठीक है वो सब अच्छी तरह से साफ करो, रसोई का काम मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है। चिंपुई इसे फिर से साफ कर दो। हाँ मैं साफ करूँगा तो तुम क्या करोगी? यहाँ रहूँगी तो मम्मी कोई ना कोई काम मुझे जरूर करने के लिए कहेगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ, मुझे खेलना है। दूसरों पर डालोगी तो इसी तरह फिसल कर गिर जाओगी, समझी? अरे एरी तुम यहाँ उल्टी पुल्टी होकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम, वो मैं बस। जैसे ही स्कूल से घर आती हूँ तुम्हारी मस्ती शुरू हो जाती है एरी, वैसे मैं घर में अकेले बैठे बैठे थक गई थी। हाँ? अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने चली आई एरी। नहीं मैं बोर हो रही थी ना इसलिए मैं यहाँ खेलने चली आई। अब तुम बिल्कुल बोर नहीं होगी, मैं तुम्हें अपनी कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। वो तस्वीरें देखकर तो मैं और बोर हो जाऊंगी, उससे अच्छा तो मैं यही चुपचाप बैठी रहूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरी तस्वीरों से तुम क्या क्या सीख सकती हो। ठीक है मैम आपने जो कहा वो सही हो सकता है, इससे अच्छा होता कि मैं मम्मी के काम में हाथ बटाती। अंदर चलो मेरी तस्वीरें देखो जल्दी। समझ गई मैम, पर मुझे घर जाना है, चाहो तो मैं कल आ जाऊंगी। ओहो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जल्दी बैठ जाओ मैं तुम्हें सब तस्वीरें दिखाती हूँ। ठीक है ये है मेरे मॉम डैड, पता है मेरे डैड कैप्टन थे। अब ये मत सोचना कि किसी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो पानी के जहाज के कैप्टन थे, दुनिया भर में वो जहाज से ही सफर करते थे। और ये तस्वीर देखो, इस अद्भुत आइलैंड पर मेरे डैड ही मुझे लेकर गए थे। इस तस्वीर में मैं मछलियों के साथ खेल रही हूँ, देखो तो कितनी सुंदर और कितनी सारी मछलियाँ हैं। इतनी छोटी उम्र में शायद मेरे अलावा कोई भी इतनी अच्छी जगहों पर घूमने नहीं गया होगा। आज भी जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं, सच्ची। वो यादें तो मैं कभी भूल नहीं सकती। दरअसल मेरी इन सब बातों से मुझे खुद पर बहुत नाज होता है, नाज होना भी चाहिए क्योंकि और कोई भी इतनी जगहों पर नहीं घुमा है। बस देखती जाओ मेरे पास और भी तस्वीरें हैं। बस कीजिए मैम मैं बाद में देख लूंगी। ओ इतनी भी क्या जल्दी है, देख कर जाओ ना, रुक जाओ थोड़ी देर।
रही थी वो? कुछ नहीं, उन्होंने अपनी तस्वीरें दिखाई। हाँ तो तस्वीरें देख के इतनी चौंक क्यों गई हो तुम? जानते हो मैं उन सब जगहों पर कभी गई ही नहीं हूँ। मुझे भी उन सब जगहों पर जाना है, उन्हें करीब से देखना है, बहुत मन करता है। लेकिन वो जगह है कहाँ पर? है? अरे वो मुझे पता होता तो तुम्हें नहीं लेकर चलती। तो बहुत आसान है, जब हम अपने ग्रह पर किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं तो हम मैप देखते हैं और मैप में कोई भी जगह आसानी से मिलती है। अरे वाह क्या आइडिया है, उचिकी के पास मैप होगा, चलो चलते हैं। तुम अचानक कैसे आ गई? उचिकी तुम्हारे पास मैप है? मुझे चाहिए। हाँ है ना? मैप में आईलाइन यही पर है, इसका मतलब हमें यहाँ जाना है। बहुत मजा आएगा, उचिकी को भी ले चलते हैं। हाँ उचिकी, क्या कहते हो हमारे साथ चलोगे? क्या इस आइलैंड पर जाना है, लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? अब जल्दी से मेरी पूंछ पकड़ लो, मेरे जादू से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंपुई! चिंपुई! जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। ये लो हम पहुंच गए, पर मैं बहुत थक गया हूँ। क्या जगह है ये? जगह तो बहुत सुंदर है ना? हाँ, अब तक तो मैंने ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। हम बहुत मस्ती करेंगे। हाँ तो फिर देर किस बात की है? तो फिर चलो। अच्छा तुम्हें ठीक से तैरना नहीं आता है क्या? नहीं। चिंपुई अब तुम पानी में अच्छी तरह से तैर पाओगी और पानी के अंदर चल पाओगी, बोल पाओगी और देख भी पाओगी। अरे वाह समंदर अंदर से इतना सुंदर है। पता है इस अनमोल रत्न के बारे में मैंने किसी किताब में पढ़ा था। ये जगह मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। छोटी प्यारी मछली मेरी दोस्त बनोगी क्या? वो देखो। हाँ, लेकिन कैमरा लाएंगे कहाँ से? तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे घर पर कैमरा है। चिंपुई चलो घर चलकर कैमरा लेकर आते हैं। ऐसे बार बार आऊंगा जाऊंगा तो थक जाऊंगा। चिंपुई कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है? लगता है एरी आ गई। एरी तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? मुझे जरा अरे ये पानी यहाँ कहाँ से आया? कैमरा आ गया। तस्वीरें कौन खींचेगा? चिंपुई का जादू है ना, कैमरा खुद ही तस्वीरें खींचेगा, बस देखते जाओ। अच्छा लग रहा है ना? हाँ लेकिन मैं अब थोड़ा थक गया हूँ। हाँ अब मुझे बहुत भूख लग रही है। चिंपुई यहाँ आओ, हमारे लिए खाना ले आओ। चिंपुई तुम लोग बस अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। मुझे थकान लग रही है। भूख नहीं लगी है क्या? लगी तो है। चिंपुई कितना टेस्टी है ना? खाना खाने के बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो चलो कितना
साफ है ना। क्या नजारा है, इतना सुंदर है ना। वो देखो सूरज ढल रहा है। हाँ शाम होने वाली है। इतना वक्त हो गया? वक्त गुजर गया और पता ही नहीं चला ना। चिंपुई, क्यों मजा आया ना? मजा तो बहुत आया, पर आप मुझे कहीं भेजना मत, मैं बहुत थक गया हूँ। ज्यादा मत बोलो, जितना कहा गया उतना करो। हमें जल्द से जल्द घर पहुँचना है। तुम्हारी पूछ लाओ यहाँ। दोबारा कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। हम पहुँच गए। हाँ, अरे तुम दोनों अचानक यहाँ मेरे घर पर कैसे आ गए? लगता है गलत घर पर आ गए। ओ, आप यहाँ पर हैं? और कहाँ जाओगी? तुम यहाँ मेरी तस्वीरें देखने आई हो ना, बोलो। हमारी फोटो देखेंगी तब देखते रह जाएंगी। अच्छा, हम समंदर के अंदर तैर रहे हैं, मछलियों के साथ खेल रहे हैं, शार्क के साथ मजे कर रहे हैं, सब इन तस्वीरों में है। कहाँ गई? अरे नहीं, कैमरा घूम गया। मजाक अच्छा कर लेती हो तुम, सपने में तस्वीरें खींची क्या? ऐसा नहीं है, सारी तस्वीरें ली थी। लगता है कैमरा भूल कर आ गई हूँ, जाकर लेकर आना पड़ेगा। चिंपुई, अरे ये कहाँ चला गया? चिंपुई, तुम कहाँ चले गए? चिंपुई, चिंपुई, अरे ये कहीं खो ना गया हो? चिंपुई, 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 मैं तुम लोगों के हाथ में कभी नहीं आऊंगा। चिंपुई, घर का काम कैसे करना है? चिंपुई, कितने दिन पहले तुम्हें एक काम सौंपा था, आखिर क्यों नहीं समझते तुम अपनी जिम्मेदारी? अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं कितने ही काम करता था भारी भारी। राजकुमार का गुस्सा क्या भूल गए हो तुम? यहाँ आकर मौज मस्ती में हो गए हो गुम। पर मुझे करना क्या है ये तो अच्छी तरह से समझाइए। एरी को ही तो मनाना है, बस इतना ही तो करना है। उसको सुधारते सुधारते मेरी आदतें खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता वो राजकुमार की दोस्ती के लायक है। अपनी बकवास बंद करो और जैसा कहा गया है वैसा ही करो। करता हूँ, करता। अभी मैं निकलता हूँ, काम हो जाने पर मिलता हूँ। इनके लिए कितना आसान है कहना उस लड़की को सुधारो। पता नहीं कब ये लड़की सुधरेगी और मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा। सारा इसका काम मुझे ही करना पड़ता है। इतना बड़ा पलंग भी इसे सोने के लिए छोटा पड़ रहा है। लगता है बैठे बैठे ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कैसे सोती है। इसके साथ रहूंगा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। पूरी रात ऐसी निकालनी होगी। मम्मी मैं आज कुछ नहीं करूंगी। सब आपको ही करना होगा। एरी, मम्मी को ऐसा क्यों कहा? और क्या करती, एक काम ठीक से कर दिया तो सारा काम हमसे ही करने के लिए कहेंगी, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। हाँ, अखबार छोड़िए और अपनी बेटी पे ठीक से ध्यान दीजिए। मैं क्या ध्यान दूँ, तुम हो ना उसका ध्यान रखने के लिए। आजकल वो किसी की कोई भी बात सुनती ही नहीं है। तुम पर गई है तुम्हारी बेटी, अब इतने सालों में तुमने भी मेरी बात कहाँ सुनी? आपको मजाक सूझ रहा है? पता है घर पर वो एक भी काम नहीं करती, जब भी देखो दोस्तों के साथ खेलती रहती है, नहीं तो अपने कमरे में पढ़ने के बहाने बनाती रहती है। मुझे अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, बस बस बंद करो, इन दोनों के बीच फंस कर मैं पागल हो जाऊंगा। पहले मुझे इस छोटी को ठीक करना पड़ेगा। हेरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है पापा? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तुम उसे ध्यान से। क्या सच में कहानी सुनाएंगे? ये मामूली कहानी नहीं है। क्या कहानी सुनाऊँ इसे? कौन सी कहानी सुनाऊँ कि इसकी समझ में आ जाए? क्या सुनाऊँ इसे? हाँ याद आया, जिम्मेदारी क्या होती है वो समझने की कहानी है ये। ऐसा है, एक गांव में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, और उस राजकुमारी का नाम क्या था? नाम नहीं होगा तो भी चलेगा। मान लो उसका नाम ही नहीं था। हाँ, तो वो राजकुमारी घर के किसी भी काम में अपनी माँ का हाथ नहीं बटाती थी। क्यों बताओ भला? क्योंकि उसकी मम्मी मेरी मम्मी जैसी होंगी और वो सारा काम उस बेचारी राजकुमारी पर डाल देती होंगी।
वो बात नहीं है प्यारी बेटी, दरअसल वो राजकुमारी आलसी थी जो उसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसके पिता ने एक आइडिया सोचकर उस राजकुमारी को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा, घर पर जो भी काम है जिम्मेदारी से करोगी तो ही गांव के सारे लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, इसलिए तुम्हें सारे काम करने चाहिए और इस तरह तुम अपने माता पिता को भी खुश रख सकोगी। इसके साथ साथ कुछ और भी कहा था, तुम्हें बहुत सी गुड़िया ला कर देंगे। वो सब सुनकर उस राजकुमारी ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा, क्या कहा, कुछ और भी कहा था, कुछ कहा तो था, अब घर का सारा काम ठीक से करोगी तो बदले में तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट मिलेंगे। हाँ हाँ ऐसा ही कहा था। ये सुनकर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मैं सारा काम करूंगी, आप बहुत सारे चॉकलेट लाकर देंगे ना? तो पिताजी ने कहा, हाँ जरूर लाकर दूंगा, इतने दूंगा कि तुम खाते खाते थक जाओगी। बहुत अच्छे पापा, बहुत बढ़िया कहानी थी, अब मुझे पढ़ना है। ये क्या कर रही हो तुम? ये कहानी सुन के तुम्हें सीख लेनी चाहिए और घर के काम करने चाहिए। समझ गई। हाँ। मैं घर के सारे काम करूंगी लेकिन बदले में मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम चाहिए। बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं, अंदर आओ। बच्चे को समझाने के लिए कहा था तो चॉकलेट की लालच देके उसे और बिगाड़ रहे थे। वो तो सिर्फ कहानी थी, है ना? अच्छा आइडिया है, आज वैसे भी मुझे घर के बहुत जरूरी काम करने हैं, इसलिए आज उसे चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खरीद के सारे काम करवा ही लेते हैं। काम करेंगी तो चॉकलेट मिलेगी। अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी और पापा भी ना। एरी, मम्मी ने पापा से चॉकलेट और आइसक्रीम लाने के लिए कह दिया है, इसलिए घर के जितने भी काम है वो सब तुम्हें करने होंगे। इसलिए चॉकलेट नहीं खानी है क्या? तुम काम करोगी तो हमें चॉकलेट और आइसक्रीम मिलेंगे ना? चलो जल्दी से सारे काम पूरे करो। अच्छा, काम मैं करूंगी और आइसक्रीम तुम खाओगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे काम में मैं भी मदद करूंगा, आखिर हम पार्टनर जो है। काम तो करना होगा ना। अब ऐसे मुंह मत बिगाड़ो और अपना काम जल्दी शुरू करो। काम करने से मन और शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसे हमारे ग्रह के बुजुर्गों ने कहा है। जब देखो तब ये गलत आइडिया देता है। बगीचे का काम करने जाओगी तो कह देना शूज गुम हो गए हैं, मैंने उन्हें छुपा दिया है। अच्छा आइडिया है, ये आइडिया काम कर जाएगा। अरे ये क्या हो गया, मेरे बगीचे के शूज गायब है। बिना शूज के मैं बगीचे का काम नहीं कर सकती, आज तो काम नहीं होगा। शूज नहीं है, इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है एरी। ऐसा होगा ये मैं जानती थी, इसलिए पहले से ही एक और जोड़ी मंगवा कर रखी है। शूज छुपा कर रखे हैं, ड्रामा करो, इस चिंपू के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं आराम से अपना काम देख सकती हूँ। महीने महीने खर्चे कम करे तो बचे हुए पैसों से क्या खरीद सकते हैं, पहले तो इसे नोट करती हूँ। नौकरानी रखूँ तो उसे पगार क्या दूँ मैं? नौकरानी रखने की क्या जरूरत है, एरी अब सुधर गई है, वो घर का सारा काम कर लेगी और इससे आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे। ये भी अच्छा आइडिया है। ओके, तो वो पैसे भी बचेंगे और क्या क्या बचा सकते हैं हम? चिंपुई तो बहुत चालाक है, मुझे फंसा कर खुद अंदर मजे से बैठा है। इसे मजा चखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। चिंपुई एक बार तुम मेरे हाथ आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, एरी तुम कितने अच्छे से सारा काम कर रही हो। हाँ चिंपुई, लेकिन अगर मेरे पास तुम्हारी तरह शक्ति होती तो काम और जल्दी हो जाता। क्या सच में? अपनी शक्ति मुझे दोगे? हाँ जरूर दूंगा, तुम्हें बस उसके लिए काम करना है। इस रबर पर अपना नाम लिखोगी तो तुम्हें अपने आप शक्ति मिल जाएगी। ये बात है, ये लो। अभी आलसी एरी सुधर गई है। चिंपू क्या कर रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? पहले बगीचा साफ करना है, फिर बाजार जाके सब्जी लानी है, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से पूरा घर साफ करना है और फिर उसके बाद कपड़े धोने हैं। ये सब मैं तुम्हारी शक्ति की वजह से कर सकती हूँ ना? हाँ, मेरी शक्ति की वजह से ही कर सकती हो। बहुत ही आसान है, तुम जो चाहो वो सब कर सकती हो, तुम्हें बस अपना नाम लेना है और जो चाहोगी हो जाएगा। जो भी कह रहे हो वो सब सच है चिंपुई, पड़ोसन की कसम। चिंपुई मुझे घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है, दोस्तों के साथ खेलने का भी मन कर रहा है, लेकिन क्या ये सब होगा? सच में होगा। सारा काम मैं करूंगी और तुम बैठ कर चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। एरी।
फुर्ती से काम हो रहा है। आने वाली है, अभी नहीं खेलना चाहिए। अरे ये बारिश कब जाएगी? बादल बारिश क्यों होती रहती है? आखिर हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है? अरे तुम? हाँ, चिंपू ने मुझे अपनी शक्ति दे रखी है, अब हम खूब मजे करेंगे। मुझे तो इन सब पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब चिंपू की वजह से हुआ। हम पंछियों की तरह उड़ रहे हैं। कितना बड़ा है ना? कोई भी काम किए बिना कहाँ कहाँ जाकर घूम कर आ रही हो एरी? घर पर अभी भी कितना काम बाकी है जानती हो तुम? आप इतनी परेशान मत होइए मम्मी, मैं सारा काम कर दूंगी। झूठ तो नहीं कह रही हो? सब्जी लाना, पापा का हाथ पैर दबाना, घर की सफाई करना, सब कर दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं बस यूं गई और यूं आई। एरी, ये क्या, मैं उड़ क्यों नहीं पाई? तुम यूँ अपना ही नाम लेके क्यों चिल्लाई जा रही हो और अभी तक सब्जी लेने नहीं गई? मैं तो बस जा ही रही थी मम्मी। जल्दी जाकर आओ, तभी चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगी। ओ, अब मैं क्या करूँ? वो शक्ति सिर्फ कुछ देर के लिए थी, पर तुमने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया। अब घर के सारे काम करने पड़ेंगे तुम्हें। एरी, अभी तक तुम वही हो, बाजार नहीं गयी। जा रही हूँ। इस चिंपुई को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चिंपुई, गगन से धरती पे कोई आया, आके देखो कितना रंग जमाया, बन गया वो देखो सबका प्यारा है। पंछी जैसे उड़ते हवा में हम, खेल खेल में मौज मनाते हम, गाते हैं नाचते हैं हर पल हर पल हर पल। जादू उसके दो निराले, जी लेता है वो हर दिल, मस्ती में झूमे खेले नाचे प्यार से। कहीं छुपे तो कभी मिले, साथ रहे वो हर दम, नन्ना मुन्ना साथी मेरा ये।